एक टाइम के बाद आपकी जॉब डेफिनेटली खत्म हो जाएगी, यानी कि जब आप 60 साल के होंगे तो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर हो या चाहे आप सरकारी नौकरी में हो, आप रिटायर तो हो जाओगे, रिटायरमेंट के बाद चाहिए होगी आपको हर महीने या हर साल एक पेंशन, क्योंकि आपको ऑफ कोर्स अपना घर भी तो चलाना है। लेकिन ज़्यादातर पेंशन स्कीम्स में यही कहा जाता है कि जितनी जल्दी आप पैसा डालना शुरू करो उतना बड़ा फ़ायदा आपको होगा। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी सेविंग स्कीम बताऊं जिसमें आपको यंग एज से, यानी आपको जल्दी पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ना हो, आप एक ही बार में मोटा अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करें और उसके बाद की पूरी ज़िंदगी आपको घर बैठे पेंशन मिले, तो वेल ऐसी ही एक स्कीम है जिसका नाम है LIC सरल पेंशन स्कीम। ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें आपको सिर्फ एक बार पैसा डालने की ज़रूरत होती है, चाहे आप किसी भी उम्र में डालो, और उसके बाद आपकी बची हुई पूरी ज़िंदगी आपको पेंशन मिलती है। अब अच्छी बात यह है कि इस स्कीम के अंदर आप 40 साल की उम्र से लेके 80 साल की उम्र तक कभी भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी अगर आप 40 साल के हो तो आप 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ दो, आपको अकॉर्डिंगली पैसा मिलता रहेगा। अगर आप 70 साल के हो तो भी आप चाहो तो पैसे इन्वेस्ट करके छोड़ दो। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि पेंशन का अमाउंट कितना होगा। वेल ऐसे में पेंशन का कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है, पेंशन का अमाउंट डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के ऊपर, यानी कि आप जितना मोटा पैसा इन्वेस्ट करोगे, जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे उतनी ही अच्छी आपको पेंशन मिलेगी। मान लीजिए आप 40 साल की उम्र में एक बार 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो 10 लाख रुपए ही आपको पेंशन के फॉर्म में मिलेंगे बाद में चलकर। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये पेंशन का पैसा मंथली, क्वार्टरली, ईयरली किस तरह से लेना चाहते हैं, यानी महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार या साल में एक बार, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आप इस स्कीम के अंदर दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक है सिंगल लाइफ और दूसरा है जॉइंट लाइफ। सिंगल लाइफ में पॉलिसी होल्डर को जीवित रहने तक पेंशन मिलती है, यानी जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको पेंशन का पैसा मिलेगा। बाय एनी चांस अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसकी नॉमिनी को इन्वेस्टेड मनी मिल जाता है। दूसरा है जॉइंट लाइफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें ये स्कीम बेस्ट है हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, जिसमें दोनों को कवर मिलता है, एक के जाने के बाद दूसरे को पैसा मिलता है। अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को पैसा मिल जाता है। ज्यादातर लोग ऐसे में बच्चों को नॉमिनी बनाते हैं। इस स्कीम के बेनिफिट की अगर बात करें तो आप इन्वेस्टमेंट के 6 महीने बाद इस अमाउंट के ऊपर लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा 6 महीने के बाद किसी इमरजेंसी की वजह से अगर आप चाहें तो स्कीम को सरेंडर भी कर सकते हैं। इस स्कीम की सबसे जरूरी बात यह है कि आपको फर्स्ट मंथ जो भी पेंशन मिलेगी वही आपको एंड तक मिलती रहेगी, यानी कि पेंशन का अमाउंट आपका ऊपर नीचे नहीं होगा। अमाउंट के लिए एक बार एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। अगर आपकी 60 साल की उम्र है और आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको सिंगल लाइफ प्लान के अंदर साल में 58,950 रुपीस की पेंशन मिलेगी, और वहीं आपको जॉइंट लाइफ प्लान के अंदर 58,250 रुपीस की पेंशन मिलेगी। आपको इस पेंशन स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए अपना एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, एज प्रूफ, ये तीनों चीजें देनी होंगी, जो आप एक आधार कार्ड के तौर पर भी दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस स्कीम की ये है कि अगर आप चाहें तो आप स्कीम लेने के 6 महीने बाद इसे सरेंडर भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप चाहें 6 महीने के बाद आपके पास कोई अनचाही इमरजेंसी आ जाती है, आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आप इस स्कीम में जितना पैसा आपने अभी तक इन्वेस्ट किया है उसका एक परसेंटेज अमाउंट आप लोन के तौर पर भी ले सकते हैं। ऑल इन ऑल हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप पेंशन के लिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए एक अच्छी सेविंग स्कीम ढूंढ रहे हैं तो LIC सरल पेंशन स्कीम सच में बहुत सरल है, बहुत इजी है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आपको बस एक बार पैसे देने की जरूरत है और आप बाकी अपनी पूरी ओल्ड एज आराम से बिता सकते हैं। अगर आपको इस स्कीम से जुड़े आपके कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी और भी LIC की पॉलिसीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा पैसा लाइव। वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।